हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर क्लास 8 साइंस, दैट इज साउंड। सो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, दैट इज हम लोग नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स आपको बताना है। सो बिफोर डिस्कसिंग द आंसर, आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा, नॉइस पोल्यूशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉइस पोल्यूशन? The presence of unwanted and unpleasant sound in the earth's environment is called noise pollution. So what steps should be taken to reduce the effect of noise pollution? Let's see. We must control the causes of noise pollution in order to reduce noise pollution. तो पेन का कलर चेंज करते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। ओके, नाउ एयरक्राफ्ट इंजिन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, Household appliances must all have noise cancelling devices fitted. So, in order to control noise pollution, हमें क्या करना चाहिए? Aircraft engines पे, transport vehicles पे, industrial machines पे, फिर household के जितने भी appliances हैं उन पर हमें क्या fit करना चाहिए? Noise cancelling device. Next point, all loud operations must take place outside of any residential areas. Industries that produce noise should be located distant from such regions. हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई loud sound suppose कहीं पर produce हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम इसका take care करना चाहिए कि वो residential area के बाहर हो, in order to control noise pollution. फिर industries पे क्या होता है, बहुत noise produce होता है, तो industries को हमें ये ध्यान रखना चाहिए that they should be located outside the residential area. Next point, automobile horns should be used sparingly. Low volume television and music systems are recommended. Automobile का जो horn होता है, for example car का जो horn होता है वो हमें sparingly use करना चाहिए। sparing का मतलब होता है in small amount, या फिर हमें unnecessary horn नहीं बजाना है in order to control noise pollution. और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, टेलीविजन एंड जो म्यूज़िक सिस्टम, दैट इज़ स्पेसिफिकली अपन स्पीकर्स का बात करें, ब्लूटूथ स्पीकर्स, उनका वॉल्यूम हमें कभी भी एक्सट्रीम हाई नहीं लेना है, लो वॉल्यूम पे रेकमेंडेड है, इन ऑर्डर टू अगेन कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन. लास्ट पॉइंट, ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग हाईवेज एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉइस दैट रीचेस हाउस होल्ड, हैंस लोअरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन. हमें क्या करना है, हाईवेज पे, देन अराउंड बिल्डिंग्स पे एज मैनी एज पॉसिबल ट्रीज को प्लांट करना है, बिकॉज ट्रीज एक्ट एज नॉइस बैरियर्स. तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है नॉइस पोल्यूशन का वो काफ़ी लो हो जाएगा.